इस कार के अंदर एक लाइट आ रही है जो स्टेयरिंग का दिखा रहा है, इसके ऊपर वाला ये वाली जो लाइट है, ठीक है, नीचे वाली नहीं ऊपर वाली। तो इस टाइप की लाइट बहुत सारी कार में आती है, जो भी आजकल की लेटेस्ट गाड़ियाँ या पुरानी गाड़ियों में भी आता था, मर्सिडीज़ वगैरह में, ठीक है, VW की या जो भी गाड़ी है, उसके अंदर ये ऊपर वाली जो लाइट आती है, नीचे वाली तो स्टेयरिंग की है। तो इसका मतलब रहता है लाइट फेलियर, यानी हम लोग का कोई बल्ब बंद है। कभी कभी छोटा मोटा बल्ब बंद रहता है, जैसे कि नंबर प्लेट का हो गया, दिखता नहीं है, हम लोग ध्यान नहीं देते उस पर, तो इसके लिए लाइट आती है, ठीक है, जो ऊपर वाली लाइट आ रही है ये उसका है, यानी कोई बल्ब बंद है। और कभी कभी ऐसा रहता है लाइट चलती भी है फिर भी ये लाइट आती है, तो फिर क्या रहता है कि बल्ब जो लगा हुआ रहता है उसका रेजिस्टेंस सही नहीं रहता, यानी बल्ब जो रहता है नकली, क्या बोलते हैं इसको, डुप्लीकेट रहता है। तो पहले इसको स्कैनिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या बता रहा है, कौन से साइड का बल्ब बता रहा है, या तो ऐसा भी एक एक करके भी आपको चालू करके भी देख सकते हैं। अगर स्कैनर नहीं है और ये लाइट आ रही है तो फिर हेड लैम्प, पार्किंग लैम्प, फॉग लैम्प, सिग्नल सब चेक करेंगे, ब्रेक, रिवर्स, तो भी पता चल जाएगा कोई लाइट बंद है तो। और अगर बंद नहीं है तो फिर एक एक बल्ब चेक करना पड़ेगा। कॉपी बल्ब ऐसा रहता है कि अपन मतलब हमने डुप्लीकेट लगा दिए तो बराबर रेजिस्टेंस उसका जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है, तो भी लाइट दिखाती रहती है। तो ये गाड़ी वॉक्स वैगन की जो कार है, तो इसको वॉक्स वैगन में पहले देख लेते क्या दिखा रहा है। क्विक सर्च कर लेते क्योंकि इसके अंदर और भी लाइट आ रही है, लेकिन अपने को इसका ही देखना, तो ये देख लेते पहले। नहीं ये नहीं, इसको बैक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसके अंदर जो दिखा रहा है बल्ब खराब दिखा रहा है, ठीक है, देख सकते हैं बल्ब फोर टीयर फॉग राइट L47, यानी इसका जो फॉग लाइट है पीछे का वो बंद है, मतलब आगे भी फॉग लैम्प आता है पीछे भी आता है। जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ यानी जो अच्छी वाली, पहले भी आता था पुरानी जो गाड़ियाँ अच्छी जो मतलब ब्रांडेड जो कंपनियाँ है, लेकिन इसमें वॉक्स वैगन ऑडी ये सब में आता है, ठीक है। ये जो लाइट जल रही है उसकी, यानी इसका जो पीछे का फॉग लैम्प बल्ब है, या तो बल्ब बंद है या तो फिर बल्ब लगा हुआ है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, इसकी वजह से लाइट आ रही है। और इसको वही एक कोड दे रहा है, जो कोड लिख के आ रहा है बल्ब फोर रियर फॉग लाइट, यानी पीछे का जो फॉग लाइट है, टेल लाइट के अंदर ही आता है एक बल्ब, 1141 का बल्ब रहेगा, ऐसा कुछ बल्ब रहता है, 1141 का ही आता है। तो बल्ब गया या चेक करते, खोला उसने, ठीक है, ये टेल लाइट हम लोग ने खोल लिया, 2 वोल्ट है इसके अंदर। और ये जो बल्ब है इसका, इसके अंदर 3 बल्ब लगे हुए हैं, इसमें से एक डीम पार्किंग लाइट का है, जो डीम लाइट ऑन बल्ब जिसको पार्किंग, और एक रिवर्स है, इसमें से एक फॉग लैम्प का है, ठीक है, टेल लाइट के अंदर ही आता है। तो इसमें एक फॉग लैम्प है, मतलब इस टाइप की जरूरी नहीं कि मतलब हर बार फॉग लैम्प ही बंद रहता है, ज़्यादातर इसमें ऐसा रहता है नंबर प्लेट की जो लाइट है दिखती नहीं, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते ना, तो नंबर प्लेट की लाइट बंद रहती है। या कभी कभी ऐसा बल्ब बाहर से डाल देते जो डुप्लीकेट बल्ब रहता है, उसमें रेजिस्टेंस कम रहता है, फिर भी वो लाइट जाती नहीं है, लाइट दिखाती रहती कंटिन्यू, लेकिन वो जो लाइट है लाइट फेलियर की, यानी गाड़ी के अंदर कोई लाइट हमारी बंद है। तो ये बल्ब अभी इसको रिप्लेस कर लेते, लाया गया भाई, ठीक है, बल्ब लगा देते हैं, फिर वापस से जाके चेक कर दे क्या दिखा रहा है अभी, एक बार फॉल्ट क्लियर करते, NOTC और लाइट जो है, ठीक है, बंद हो गई है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं, सिर्फ इग्निशन ऑन है बट लाइट बंद हो जा रही है, ठीक है, चाबी वापस चालू करते, लाइट नहीं आ रही है।
तो अगर इस टाइप की लाइट कोई भी मतलब गाड़ी में आती, कोई भी गाड़ी हो इस टाइप की लाइट आती है, तो उसका मतलब रहता है कि लाइट फेलियर, यानी कोई लाइट हमारी गाड़ी के अंदर बंद है, या तो बल्ब के अंदर डुप्लीकेट लगा हुआ, यानी बल्ब सही नहीं है।